हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज मी ज्योति। सो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी ट्रिपल एस हॉल। सो इस हॉल में मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर है 3 pair ऑफ टॉप जो कि 799 रुपीज़ में है, जो कि एक्स्ट्रा आपको शिपिंग चार्ज भी लग जाएगा। देन दूसरा जो है एक हील्स है, और एंड लास्टली है 3 pair ऑफ फ्लैट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक फ्लैट तो दिखा दिया था, लेकिन दूसरा 2 flats मुझे रिसीव नहीं हुआ था, तो इस हॉल में मैं दिखाऊंगी। सो ये पूरे पार्सल तो मुझे 1 month back ही रिसीव हुआ था, लेकिन मैं इसका वीडियो नहीं कर पा रही थी। फाइनली आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं फ्लैट्स दिखा देती हूँ। एक फ्लैट मैंने पहले ही दिखाई थी जो कि बहुत 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 ही अच्छा था, और जब मैंने ऑर्डर किया था उसके 1 week बाद ही मुझे एक ही फ्लैट रिसीव हुआ था, जो कि मैंने साथ में उससे बाइंग किया था। तो मैं नेक्स्ट दिखा देती हूँ। सो इस तरीके का बॉक्स में रिसीव होता है जो कि ट्रिपल एस का फ्लैट्स वगैरह सूट वगैरह लेते हो, तो इस तरीके का बॉक्स में आता है। लेकिन जो भी टॉप्स और क्लॉथिंग आइटम लेते हो तो प्लास्टिक पाउच में रिसीव होता है। सो पहला वाला तो देखा आपने। सो नेक्स्ट वन ये वाला मैंने बाइंग किया है, जो कि बहुत ही अच्छा एक नियॉन ग्रीन टाइप में है, और ये वहाँ पर जस्ट न्यू आया था, मुझे बहुत ही पसंद आया तो इसलिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। और ये वाला जो है वो नियॉन ग्रीन कलर का है गाइस, बट मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है शाइनी ग्रीन। मुझे वो ज़्यादा कलर पसंद आया था क्योंकि वो पॉप कलर था, और मुझे वाइब्रेंट वाला फ्लैट्स वगैरह मुझे बहुत ही पसंद है उस तरीके का कलर, सो इसलिए मैंने ये बाइंग किया था। लेकिन गाइस आप देख सकते हो ये वाला कलर मुझे रिसीव हुआ है, और ये टोटली डिफरेंट है। ये ग्रीन तो है लेकिन ये थोड़ा शाइनी टाइप का ग्रीन है, वहाँ पर प्रॉपर डार्क ग्रीन मैट फिनिश में था, लेकिन मुझे ये शाइनी टाइप का रिसीव हुआ है। और गाइस ये पहनने में कम्फर्टेबल है, हाँ ठीक ठाक है और अच्छा भी है। लेकिन गाइस मैंने जो ऑर्डर किए थे वो वाला कलर नहीं आया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन पहने में ठीक ठाक है और अच्छा ही है और कंफर्टेबल है, ठीक ठाक है पहनने में, काफ़ी अच्छा है। बट मुझे कलर के लिए बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैंने सोचा था वो कलर आया नहीं वो कलर। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा ये सेम वाइब्रेंट एक ऑरेंज कलर में है, तो गाइस ये कलर मुझे एग्जैक्ट रिसीव हुआ है, वहाँ पे मैंने जैसे देखा वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है, और इसी टाइप का मैट फिनिश में ही ग्रीन कलर का भी था जो कि मुझे रिसीव नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बहुत ही परफेक्ट रिसीव हुआ और परफेक्ट फिटिंग है, कंफर्टेबल बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हो, और मुझे ये बहुत ही पसंद आया। तो इसे मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है, ग्रीन वाला मैंने एक बार यूज़ किया है, और जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था वो तो गाइस बहुत ही अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट है ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल एक हील है। पहले तो मैं बता दूं गाइस, मैंने वहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था 799 रुपीज़ वाला जो कि मुझे रिसीव हुआ है, और 1199 रुपीज़ वाला भी मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, और 3 pair ऑफ फ्लैट्स भी ऑर्डर किए थे, और 999 में 2 pair ऑफ आपको हील्स मिल जाएंगे, सो वो मैंने ऑर्डर किया था। लेकिन मैंने पूरा कैंसिल कर दिया जब मुझे रिसीव हुआ 799 रुपीज़ वाले जो टॉप्स, उसे देख के मैं इतना ज़्यादा दुख हो गई और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने पूरा कैंसिल कर दिया था। और ये भी मैंने कैंसिल किया था लेकिन पता नहीं क्यों रिसीव हो गया, और कैंसिल करने के बाद भी दूसरा भी हील्स मुझे आया था लेकिन वो मैंने रिटर्न कर दिया, बट ये मैंने रिटर्न नहीं किया। और गाइस ये हील काफ़ी अच्छा मुझे रिसीव हुआ है, लेकिन सच में मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और हाँ गाइस मेरा साइज़ है 39 जो कि 7 number है, एकदम परफेक्ट आता है मुझे 39 number गाइस, बहुत ही अच्छा है ये वाला, बट ये मुझे थोड़ा लूज़ टाइप में है, मतलब थोड़ा लूज़ मुझे लगा इस एरिया पे। मुझे 39 एकदम परफेक्ट शेड है, जितना भी मैंने अभी तक भी ऑर्डर किया है और जितना भी मैं सूज़ लगाती हूँ फ्लैट लगाती हूँ वो 39 या 7 number ही आता है, बट ये भी मैंने 39 number ही बाइंग किया था। थोड़ा लूज़ लग रहा है, पता नहीं यहाँ इस एरिया पे और यहाँ पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा निकल। और गाइस इसका जो हीरो है वो है इसका हील, जो कि ट्राइंगल शेप में है और आप देख सकते हो, और आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है इस तरीके का शेप, और मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने इसे इसका कलर एंड इसका शेप, हील्स का जो शेप है उसी के कारण ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। और गाइस
काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो, चलने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बट मुझे थोड़ा लूज लगा, मुझे थोड़ा हील्स वगैरह टाइट ही पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा लूज लगा और बाकी सब कुछ परफेक्ट है और अच्छा है। और हाँ गाइस, कभी भी ट्रायंगल टाइप का हील्स नहीं लगाया है, तो मुझे चलने में थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो एक्स्ट्रा निकल रहा था जैसा फील हो रहा था यहाँ पर। तो दूसरा, मैंने हील्स वाइट कलर का ऑर्डर किया था और वो भी मुझे बहुत ही पसंद था, लेकिन मैं श्योर नहीं थी तो इसलिए मैंने वो रिटर्न कर दिया और इसे मैंने रख लिया और अच्छा है। जो भी क्लॉथिंग आइटम रिसीव होता है वो इस तरीके का पाउच में, एंड इनर पैकेजिंग भी कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। सो गाइस, ये कुछ इस तरीके का टॉप है और ये दिखने में काफ़ी बैगी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये है तो बैगी टी शर्ट ही, बट ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफर है और बहुत ही ज़्यादा चीप मटेरियल है, और ये कुछ इस तरीके का है। और गाइस, ये कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अच्छा तो है, दिखने में भी सॉफ्ट बेज कलर टाइप में है, लेकिन गाइस ये बहुत ही ज़्यादा चीप मटेरियल है। और गाइस, ये लगाने के बाद में ये जो पार्ट है वो बहुत ही गंदी तरीके से सिलाई किया है, जो कि बहुत ही अप एंड डाउन दिख रहा है आपको। मैं आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, बिल्कुल भी अच्छा से सिलाई नहीं है, बस नॉर्मली ऐसा सिला के भेज दिया जैसा मुझे फील हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए, बहुत ही गंदा वाला सिलाई। अगर आप लोग बाइंग करने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और गाइस, सबसे अच्छी बात तो इसमें कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, मैंने ट्राई भी किया, कुछ भी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो मेरा पैसा वेस्ट। और बाय द वे, ये भी ट्रिपल एस है जो कि काफ़ी अच्छा है। और गाइस, नेक्स्ट आइटम आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला मैंने परचेज किया था और यहाँ पे जितना भी मैंने दिखा रही हूँ वो एक्सल साइज में है। इस तरीके का अटैच क्लॉथ टी शर्ट था जो कि मैंने परचेज किया है ये। और गाइस, अगर आपका बस्ट बड़ा है तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। मैं पहन तो सकती हूँ लेकिन काफ़ी ऊपर जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जो कि पहन नहीं पाऊँगी और मेरा पूरा ब्रा लाइन दिखेगा, तो इसीलिए ये मुझे पसंद नहीं आया। और गाइस, वहाँ पर फोटो में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कटा फटा टी शर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और इसका भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी है और सिलाई भी उसी टाइप से किया है, यहाँ पर आप वाइट कलर का थ्रेड देख सकते हो, ये थ्रेड तो ठीक है इसका जो डिज़ाइन है, बट यहाँ पर क्या ज़रूरत था थ्रेड देने के लिए। नेक्स्ट टॉप ये वाला है जो कि बहुत 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 ही अच्छा है और ये मुझे काफ़ी अच्छे से फिटिंग और इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, स्टिचिंग अच्छा है। ये वाला टॉप है जो कि बैगी शॉर्ट टॉप है, ये जब मैं पहनती हूँ तो बहुत ही परफेक्टली बेली बटन तक आ जाता है और इसका स्टिचिंग आप देख सकते हो गाइस, इसे बोलते हैं अच्छे से स्टिचिंग, वहाँ पर zigzag दिख रहा था तो वही मुझे पसंद नहीं आया और इसका स्टिचिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ये वाला जो प्रिंट है वो फ्लावर में है, इसमें काफ़ी सारा प्रिंट भी मिल जाएगा, लड़की बना हुआ ये सब कुछ। और ये वाला काफ़ी अच्छा है, मैंने पहना भी है बहुत बार, और इसमें वाइट और ब्लू बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, मुझे ब्राउन पसंद आया तो इसलिए ये वाला एकदम परफेक्ट है, तो इसमें जा सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा ट्रिपल एस हॉल, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। यहाँ पर दो टॉप से मैं डिसअपॉइंट हूँ और हील्स तो ठीक ठाक है, लेकिन फ्लैट कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इस वाले हॉल्स। आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है, और रिटर्न पॉलिसी कुछ भी नहीं है। हील्स का साइज़ मैंने दूसरी साइज़ 28 साइज़ मंगाने के लिए सोचा, लेकिन गाइस वो भी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं था, पता नहीं क्यों इस बार नहीं था या नहीं होता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिला, तो इसलिए मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगी, मेरा पैसा वेस्ट। आप लोग बिल्कुल मत करना ऐसा, बहुत ही देख के, सर्च करके, रिव्यूज़ देख के तो ही बाइंग कीजिए। एंड गाइस, ये वाला मेकअप लुक मैंने किया है जो कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड होगा, तो देख सकती हो चैनल पर। एंड गाइस, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।